बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सर, कल तक जो चीजें देख रहे थे उसके हवाले से कोई डिस्कशन है तो अगर कोई डिस्कशन है मेरा दिल है ये चैप्टर वन हम लोग का उसको कंप्लीट करना ताकि फिर आगे हम चैप्टर फाइव के ऊपर थोड़ा शिफ्ट करेंगे और वहां पे फिर हमारा मिड टर्म आ जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, कल हमने माइक्रो और मैक्रो तक हमने देख लिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दरमियान में जो इंटरडिपेंडेंसी है कि इंटरलिंक्ड है, आप इंडिविजुअल को देखकर कम्युनिटिव को भी देखते हैं समझते हैं और कम्युनिटिव को समझेंगे तो इंडिविजुअल की समझ आ सकेगी, तो दोनों की इंटरडिपेंडेंसी है। फिर पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमी, हमने ये देखा था कि जिस तरह हमने बात की कि जब हम बिहेवियर को समझना है तो फिर हम कुछ ऐसे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को, सेट ऑफ पर्सन को इकट्ठा डिफाइन कर लेते हैं ताकि उनके एक जैसे बिहेवियर को हम समझ सकेंगे, उनको हम एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, हमने ये पढ़ा था एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी की बात कहते थे। और हाउसहोल्ड कौन से हैं, ऐसे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उनका गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन वाले एलिमेंट के ऊपर उनका काम है, वो एलोकेशन स्केयर्स ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड करते हैं। हाउसहोल्ड की हमारे सामने डेफिनेशन है। हाउसहोल्ड कंजम्पशन यूनिट्स हैं और स्केयर्स इनकम को डिसाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के दिमाग में डिसाइड करते हैं। फिर फॉर्म्स हैं जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्केयर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इक्विपमेंट बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, उनका फोकस क्या है प्रॉफिट। गवर्नमेंट एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज, जो कि उसने टैक्स और रेवेन्यू उठाया होता है इसे कमाए होते हैं, और बिटवीन डिफरेंट सोशल नीड्स को पूरा करना उसका ऑब्जेक्टिव है। एजेंट रिक्वेस्ट आपसे पूछ भी कर सकते हैं, एजेंट की डेफिनेशन लिख लें या उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई एक चीज लिख देगा। An actor or decision maker within an dash model, economic model. What is it is called? तो वो हमें economic model में decision maker या actor, तो उसको हम agent कहते हैं। Household की definition, collective group of individuals, consuming goods and services. हम collective group of organization, producing goods and services. Government, state, organization that governs. ये हम पहले भी ये सब चीजें देख चुके हैं, इसलिए I'm just skimming through them. अच्छा जी, ये basic concepts ये जरूरी है समझने, काफी देर से डिस्कस किए हैं, मजीद एलैबोरेट कर दें। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होती है, हमने भी तक पढ़ा है क्या कंजम्पशन है, कि गुड्स एंड सर्विसेज जब इस्तेमाल करेंगे तो वो कंजम्पशन होगी, वो कंजम्पशन होगी। गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उनके ऊपर अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे, वो कंजम्पशन कहलाएगी। आपके रिसोर्सेज जो मौजूद थे उन रिसोर्सेज को थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस आपने गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूम की जाएंगी इकोनॉमिक्स में आप उसको कंजम्पशन कहेंगे। चाहे वो सर्विसेज एक डॉक्टर की सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई ब्रेड खा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूम की जाएगी वो सर्विस आपकी कंजम्पशन कराएगी। दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जीडीपी एंड रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक प्रेफरेंस ऑफ द कंट्री। आपकी प्रेफरेंस, कोई कंट्री जहां पे एग्रीकल्चर बेस्ड है तो वहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम होंगी डेफिनेटली, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है अभी वहां पे शायद टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम हो रही होंगी। तो आपकी नेशन की प्रेफरेंसेस आपकी कंजम्पशन हैबिट्स बताती है, जो चीज जिस चीज की डिमांड होगी वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी ना, ऐसा ही है।
अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल इटली में पाकिस्तान की तरह के खाने प्रोड्यूस नहीं किए जाते होंगे क्योंकि वहां पे डिफरेंट कुजीन जो सी है उनकी वो खाते हैं, तो वहां की कुजीन के वहां के खाने वहां की डिमांड के मुताबिक प्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ के खाने यहाँ की डिमांड के मुताबिक प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जैसी डिमांड होगी वैसी ही आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन करेगी। तो इसी तरह से कंजम्पशन लेवल, कंजम्पशन आपकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। अब इंडिया इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस्ड बेस है कि जो भी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर है उसको अट्रैक्ट करता है कि यार ये लोग प्रोड्यूस, मैं जो भी प्रोड्यूस करूंगा ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर मैं इस चीज को सेल कर सकूंगा। तो इंडिया की जो कंजम्पशन की एबिलिटी है दैट इज अट्रैक्टिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऐसा ही है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, इतना की वो इतना की आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है कंजम्पशन एबिलिटी। और जब आप कंजम्पशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी होगा। अगर वहां पे आईफोन वाले जा रहे हैं या इंटरनेशनल ब्रांड्स वाले जा रहे हैं तो वो इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर कंजम्पशन करने के लिए भी रेवेन्यू भी तो होगा उसके पास, रिसोर्सेज तो उसने तो इन्होंने जनरेशन इनकम भी तो करेगा। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर फ्लो बन जाता है, इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन ड्रिवन प्रोडक्शन और इनकम फ्लो बन जाता है, कंजम्पशन ड्रिवन इनकम फ्लो बन जाता है। कंजम्पशन के कंपोनेंट्स कौन से हैं? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं? ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, लॉन्ग रन के अंदर हाउसहोल्ड इक्विपमेंट, नॉन ड्यूरेबल फूड, क्लोथिंग और सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट सर्विसेज वगैरह। तो ये डिफरेंट कंजम्पशन के अंदर डिफरेंट चीजों की जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस को हम देख चुके हैं कि अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए से कन्वर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, वो प्रोसेस प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ वन सेट ऑफ गुड्स टू अनदर, जो रिसोर्सेज है उसको दूसरे, गंदम था, गंदम को हम कुछ नहीं कर सकते थे, जब गंदम एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर से गुजरी, हमारी फ्लॉर फ्लॉर मिल के अंदर से गुजरी, उससे आटा बन गया, वो आटा हमारे लिए, फिर उस आटे को, वो आटे को भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो आटा फिर किसी ने बेकरी के अंदर गया, किसी ने उसको गूंदा, उससे रोटी बनाई, एक और प्रोडक्शन प्रोसेस बना, वो रोटी भी हम खा सकेंगे। ऐसे ही है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कन्वर्जन वन सेट ऑफ गुड्स टू अनदर, एक सेट से दूसरे सेट में जा रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम देख चुके हैं, ग्रुप और क्लॉस ऑफ ग्रुप, ओरिजिनल प्रोड्यूस, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ओरिजिनल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रेजर ने हमें डिफाइन करके दिया, उसने कहा ग्रुप और क्लास ऑफ ग्रुप, ग्रुप और क्लास ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा जी, स्पेशलाइजेशन और डोमेन ऑफ लेबर, ये हमें आगे भी पढ़ना है, तो हम इसको आगे ही पढ़ते हैं, इसको हम यहां पे छोड़ देते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है कि पहले हम बैल के साथ बांधते थे जो हल और उससे अपनी खेती बाड़ी किया करते थे, अब मशीन आ गई हैं, हार्वेस्टर आ गए हैं, मशीन और उसके जरिए से हम ज्यादा मिकदार में ज्यादा तेजी के साथ ज्यादा बड़े एरिया को हम कल्टीवेट कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारे जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को एफिशिएंट कर दिया, प्रोडक्शन के प्रोसेस को बढ़ा दिया, हम उसी रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट लेने की एबिलिटी हमारे अंदर आ गई टेक्नोलॉजी की वजह से। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इज रेफर्ड टू एज टेक्नोलॉजी।
application of science for increasing productivity. Technology has changed the process of production and affected the production of new products and services. Airplane, television, telephone, computer, smartphone, and television. आजकल के दौर में तो हम टेक्नोलॉजी की भरमार देख रहे हैं. कल तक जो चीजें हम मैनुअल चीजों के ऊपर और उनके ऊपर थे, अब वो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दी. वजीर आजम का जो ऐप है कंप्लेंट सेल की, अब आप उसके अंदर कंप्लेंट करें. पहले आपके हाँ कुछ मसला ख्याल होता था, कोई आपसे रिश्वत मांगता था, आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते थे. अब इस टेक्नोलॉजी ने आपकी एक्सेस दे दी आपकी शिकायत को, आपकी कंप्लेंट को टू दी हाईएस्ट पोस्ट. और इस तरह से टेक्नोलॉजी और भी बहुत सी जगहों के अंदर आप वो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग उसकी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. डॉक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं. चाइना में एक हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दिया उन्होंने, उसको कंप्यूटर्स के ऊपर वो जाता है, उसके टेस्ट जो पेशेंट है उसके टेस्ट, उसके रिजल्ट, उसकी उसकी जो कंडीशन है वो अपनी कंडीशन उसमें बताता है और उसकी बेस के ऊपर कंप्यूटर भी उसको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको ये चीजें चाहिए, ये बीमारी आपकी लग रही है तो ये चीज आपको, ये आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ तो एक दुनिया ही बदलती जा रही है. विद इन 4-5 ईयर्स मोर प्रॉब्लम हमारी दुनिया में जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, जो भी प्रोसेसेस जिस तरीके से चल रहे हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे. जैसे डॉक्टर्स का मैं बता रहा हूँ रिप्लेस हो रहे हैं, इसी तरह से अकाउंटेंट्स की काफी चेंजेज आ रही हैं कि ऑटोमेट हो रही है चीजें. जब स्पेशली ये जो ब्लॉकचेन है इसकी वजह से अगर जिस तरीके का यहाँ पे बेनिफिट है ब्लॉकचेन का कि कोई बंदा डेटा के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकेगा, अनऑथोराइज तब्दीली नहीं कर सकेगा, तो ब्लॉकचेन का ये कॉन्सेप्ट हम सही तरह से इस्तेमाल कर पाए तो शायद अकाउंटेंट्स की जरूरत ही नहीं रहेगी. खुद बहुत ही सिस्टम ही आपके सामने पेबल रिसीवेबल्स आपके सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली आपके सामने आ जाएंगी. किसी शख्स को कोई चीज छुपा नहीं पाएगा, कोई चेंज नहीं कर सकेगा अनऑथोराइज अगर तो हो सकता है इस चीज को. लेकिन टेक्नोलॉजी वो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर ये सारी चीजें चेंज आ रही है. अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन इसके ऊपर क्वेश्चन हो चुका हुआ है. एग्जामिनर आईकैप का एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है. फेवरेट क्वेश्चन है, काफी दफा पूछ चुका हुआ है और एज इट इज आता है. व्हाट इज मेंट बाय द कैपिटल फॉर्मेशन एंड व्हाट आर थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस इन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है जी, तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ये भी लिखे मैं थ्री स्टेज भी लिखी हुई है और कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है. अच्छा ये कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, हम बात क्या करें कैपिटल फॉर्मेशन में कि जनाब आपके पास प्रोडक्शन के कुछ रिसोर्स हैं, हमने उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा है. लेकिन वो रिसोर्स उन रिसोर्सेज को बढ़ाना ये कैपिटल फॉर्मेशन है. अच्छा अब आप कहेंगे सर उन रिसोर्सेज को हम किसना बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को हम किसना बढ़ा सकते हैं. तो एग्जाम्पल उसके देखते हैं कि पहले आपके पास फ्लोर मिल थी फॉर एग्जाम्पल 1, ये इकोनॉमी के अंदर 1 की फ्लोर मिल थी. अब आप चाहते हैं कि मैं दूसरी फ्लोर में मिल रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रिसोर्सेज उन मशीनों को की प्रोडक्शन के अंदर लगाने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप एक और फ्लोर मिल को बना सके. लगाने पड़ेंगे ना आपको बिल्डिंग, जमीन, लैंड, लेबर, कैपिटल, आपको उन मशीनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि एक और फ्लोर मिल जिससे आप बना सके. तो अब आपने क्या किया कि फ्लोर मिल बनाई, वो फ्लोर मिल आपका कैपिटल है. पहले एक फ्लोर मिल थी, अब आपकी इकोनॉमी में आपकी कंट्री में 2 फ्लोर मिल है और उस फ्लोर मिल से आपकी इकोनॉमी का कैपिटल इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, कैपिटल फॉर्मेशन आपने की. और कहां से की, आपने अपनी एफर्ट्स तो लगाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो यूज किए, लेकिन वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक और मिल बनाने के लिए यूज किए. उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से
आपने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कंजम्पशन के लिए गुड एंड सर्विसेज नहीं बनाए, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपने यूज करके अपनी कैपिटल फॉर्मेशन की, और वो जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए थे जिनसे आपने नई फैक्ट्री बनाई है, वो फ्यूचर में आपकी प्रोडक्शन में कैपेसिटी में इजाफा किया आपने, ऐसे ही है ना। कैपिटल होता क्या था कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिस जो कि प्रोडक्शन की के प्रोसेस के अंदर मदद करता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, आप कोई भी मशीन बना लें, कोई आप रोड बनाएं, कोई ब्रिज बनाएं, कोई आप स्कूल बनाएं, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएं, तो ये सब कुछ आप अपने रिसोर्सेज को ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बाद के अंदर फ्यूचर में आपकी नेशनल इनकम के अंदर उनका हिस्सा होगा, वो आपकी फ्यूचर की प्रोडक्शन के अंदर मदद देंगे। स्कूल्स फ्यूचर की सर्विसेज के लिए काम आएंगे, रोड्स फ्यूचर में जो आपने ट्रांसपोर्ट करनी है ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए आएंगे, ब्रिजेस दरिया क्रॉस कार क्रॉस करने के लिए काम आएंगे, बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन फ्यूचर में जो आपकी नीड है बिजली की उसको पूरा करने के लिए काम आएंगे। तो कंट्रीज इकोनॉमीज नीड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन टू ग्रो देयर इकोनॉमी टू ग्रो द प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर रोड्स के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पिछले साल अगर आसानी के साथ आपकी प्रोड्यूसर्स आपके खेत से निकल के मार्केट तक पहुंच सकती थी तो रोड टूटती जाएगी तो उतनी प्रोड्यूसर्स जितनी प्रोड्यूस सारी की सारी फिर शायद खेत से निकल के मार्केट तक नहीं पहुंच सकेगी, मुश्किल हो जाएगी। तो अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए भी और अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी सोसाइटी को इकोनॉमी को कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट कैपिटल एक्युमुलेशन। यहां पे नेट क्या है, नेट का मतलब क्या है कि आपने मशीन इस्तेमाल की, पिछले साल बनाई थी, पिछले साल बनाई थी, इस साल उस मशीन को आपने इस्तेमाल किया, इनकम कमाया, तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आई होगी ना। मशीन को गाड़ी थी, पिछले साल आपने 15 लाख की गाड़ी ली है, तो क्या इस साल इस एक साल इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी वैल्यू 15 लाख की रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो डेप्रिशिएट करेगी, डेप्रिशिएट करेगी तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि नेट कैपिटल एक्युमुलेशन, नई गाड़ी भी आप खरीदें, पुरानी गाड़ी के जो डेप्रिसिएशन होगी उसको निकाल के नेट अगर आपकी इजाफा हुआ है तो वो आपकी इकोनॉमी के अंदर एडिशन इंक्रीज इन स्टॉक होगी, या एडिशन होगी इंक्रीज इन स्टॉक। इट इन्वॉल्व मेकिंग मोर ऑफ द कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जांपल मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मटीरियल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। कैपिटल फॉर्मेशन इज द यूज ऑफ करंट रिसोर्सेज to create capital goods such as tools and instruments, non-equipment. These capital goods have a larger impact on the efficiency and productivity. It is the dedication of a part of society's current available, वही बात है मेरा, dedication of society's current available resource to the purpose of increasing the stock of capital goods. This means that a part of current consumption is sacrificed for accumulation of capital goods. Therefore, consumption is inversely related to the capital formation. The less the present consumption, the more there will be resources for new capital formation. Process. आप जी वो कहते हैं कितने three phases हैं ये process capital formation के, तीन phase हैं। One phase creation of savings. जो आप इनकम आज के दिन कमा रहे हैं, नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल एक 100 मिलियन
कि नेशनल इनकम इस साल कंट्री की है। अगर 100 मिलियन आप सारे का सारा कंजम्पशन के ऊपर लगा दें, कंजम्पशन क्या है, खाना पीना रहना सर्विसेज गुड एंड सर्विसेज के ऊपर आप सारी चीजें खर्च कर दें, तो आपके पास मशीन्स रोड्स इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज जो ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में आपने काम लेना है उनके ऊपर पैसा लगाने के लिए पैसा ही नहीं देगा, ऐसा ही है ना। तो पहला काम तो ये है कि आपके पास जो इनकम है उसमें से कुछ चीजें सेव करेगा, कुछ चीजें कंजम्पशन को कम करें ताकि आपके पास कुछ सेविंग आ सके। जब कुछ चीज आपके पास को पैसे बचेंगे तो फिर आप रोड बनाने की बात करेंगे, फिर आप आपके पेट में खाना खाने के लिए खाने के ऊपर पैसे, आप फॉर एग्जाम्पल एक 100 मिलियन तो 100 मिलियन ही आपके पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपकी फूड की नीड ही 100 मिलियन है, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कोई पैसे या अपने रिसोर्सेज कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर लगा सके। जैसे एफ्रीका की कंट्रीज हैं वहां पे रोड्स और बाकी चीजें क्यों नहीं बन पाती, क्यों नहीं बन पाती आपने कह डाला कि उनकी नेशनल इनकम ही इतनी कम है कि वो जो उनकी पॉपुलेशन की डे टू डे एक्टिविटी और डे टू डे नीड है वो बमुश्किल कोई पूरा कर पाते हैं। वो इस चीज के ऊपर सोच ही नहीं पाते कि यार अच्छा हम कोई रोड बना लें, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी बढ़ा लें अपनी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज सिर्फ उतने हैं कि जिनसे वो बेसिक नीड्स कंजम्पशन की नीड भी पूरी कर पा रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पहले जरूरी है कि आपकी सेविंग्स कुछ करें। सेविंग्स आर डन बाय द इंडिविजुअल आर आल्सो दे सेव मनी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल देयर इनकम्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द लेवल ऑफ सेविंग इन कंट्री डिपेंड्स ऑन द पावर टू सेव एंड द विल टू सेव। द सेविंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द एवरेज लेवल ऑफ इनकम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। When the average level of income is high, and then people tend to save more. जी निशा से necessities, जब necessities पूरी हो जाएंगी आप फिर savings की बात कर सकेंगे। इसी वजह से मैंने कहा एवरेज इनकम ऑफ इनकम लेवल हाई हो वहां पर सेविंग्स की बात होती है, वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अमेरिका क्यों ज्यादा ग्रो करता है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि वहां पे नेशनल इनकम एवरेज नेशनल इनकम हाई है और वो क्या करते हैं वो अपनी एवरेज नेशनल इनकम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इस तरह की एक्टिविटीज कैपिटल फॉर्मेशन का फोकस रखते हैं जिससे उनकी फ्यूचर की इनकम में और इजाफा होता है। तो एक ऐसा साइकिल के अंदर आ जाते हैं जहां पे आपकी नेक्स्ट जीडीपी इंक्रीज होगी, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। इसी वजह से आजकल चाइना और इंडिया को बहुत फोकस मिल रहा है कि इंडिया और चाइना की जीडीपी 9% 8% पर एनम इंक्रीज कर रही है और 9% चाइना की अगर जीडीपी 9% इंक्रीज कर रही है तो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पाकिस्तान दुनिया में और तो उसकी अगर 9% इंक्रीज है तो वो एक बड़ा इंपैक्ट करता है। 100 रुपए का 9% कुछ और होता है, 1 लाख रुपए का 9% कुछ और होता है। तो इसी वजह से इंडिया और चाइना जब वो 8% और 9% की बात करते हैं तो चाइना का 9% इज बिगर देन द इंडिया 8%। ठीक है जी, तो इंपैक्ट किस लिहाज से देखते हैं आज इकॉनमी। फिर कहते हैं जी सेकेंड इस प्रोसेस के अंदर सेकंड स्टेज है उस जो सेविंग है वो सेविंग्स को मोबिलाइज करना। अब वो लोगों ने इकोनॉमी के अंदर लोगों ने सेविंग्स की कंजम्पशन नहीं की, उनके पास इनकम उनकी जो इनकम थी वो ज्यादा थी, जो उनकी जरूरियात थी उसके ऊपर खर्चा उन्होंने कम किया तो वो पैसे उनके पास सेविंग्स आ गए, पहली काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है, उस सेविंग्स को मोबिलाइज करना। अब सेविंग्स को मोबिलाइज किस तरीके से किया जाता है, जब आपके पास कोई सेविंग आती है तो आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। किसी के पास सेविंग आती है, हमारे पास 100 रुपया हमें पॉकेट मनी मिली, 50 रुपए अगर हमने कहीं पे खा पी लिया बर्गर खा लिया कुछ और काम कर लिया तो 50 रुपए शायद हमने कोई एक बॉक्स रखा होगा मनी बॉक्स उसके अंदर जाके हम सेव करते थे, ऐसे ही है। बाद लोग मतलब वो तकिए के अंदर कवर के अंदर रख देते हैं, बाद लोग बेड के नीचे जो है उसमें रख देते हैं, बाद लोग अलमारी में खाने में रख देते हैं, बाद लोग जाके बैंक में जमा करवा देते हैं।
तो सेविंग्स जब आपकी जाती है तो उन सेविंग्स को महफूज रखने का कोई तरीका ढूंढा जाता है कि जहां पे हम उसको महफूज रखें। तो हाउस होल्ड और कंज्यूमर जिनने सेविंग्स की, वो सेविंग्स को महफूज रखने के लिए बैंक के पास जाते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को कहते हैं, वो जाते हैं बैंक के पास, वो कहते हैं भाई ना ये मेरे पास तनख्वाह आई थी 1,00,000 रुपया, 50,000 खर्च कर दिया, 50,000 मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रहने दे आप। तो वो बैंक अकाउंट के अंदर उनका 50,000 रुपया डिपॉजिट होता है, सेव होता है, वो सेविंग्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, वो इंडिविजुअल से निकल के एक कॉमन पूल के अंदर आ जाती है, आगे के नहीं आती। अब वो सेविंग्स मेरे 50,000 रुपए से इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर 1,00,000 लोगों ने 50,000 रुपया महीने की सेविंग की है तो उस बैंक के पास एक हैंडसम अमाउंट आ जाएगी जिसको वो फिर आगे लोगों को उधार दे सकेगा, लोगों को दे सकेगा कि यार अच्छा आपने फैक्ट्री लगानी है ये कर्जा ले लो, आपने कोई रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना है ये कर्जा ले लो, आपने कोई मशीन बनानी है कर्जा ले लो, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है कर्जा ले लो, आपने कोई रोड बनानी है कर्जा ले लो। तो वो अवेलेबल नेसेसिटी जो हमारी सेविंग है, वो सेविंग्स थ्रू द यूज ऑफ दिस इंटरमीडियरी, ये एक टूल बन जाता है बैंक और बाकी लोग जिनके पास हमारी सेविंग जाके डिपॉजिट होती है, वो टूल बन जाते हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए। सेकेंड फेज हमारा है इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम हाउसहोल्ड टू बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट। अब हाउसहोल्ड से बिजनेस तक किस तरह पहुंचना है वो उसका एक प्रोसेस है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के जरिए से। इन कैपिटल मार्केट फंड्स आर सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन्वेस्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कैपिटल मार्केट भी हमने पढ़नी है, पांच कैपिटल मार्केट ऐसे आपके आसानी के लिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट समझे, स्टॉक एक्सचेंज समझे। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, जिन लोगों को हमने कहा मैंने यार ये प्रोजेक्ट बनाना है लगाना है, तो वो कहेंगे मुझे यार 500 मिलियन चाहिए, तो वो अपना शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेंगे और जिसने वो शेयर में इन्वेस्ट करना है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो जाके उन कैपिटल मार्केट के अंदर से वो शेयर परचेज करेगा और पैसे उस बिजनेस के पास चले जाएंगे। Development of capital market is necessary for the increasing rate of capital formation. A well-developed capital market is likely to ensure proper mobilization and transfer of the saving to the entrepreneur who needs them. Then तीसरा phase जो हमारा है investment of savings. पैसे आगे अब वो पैसे लोगों के पास पहुंचे, business के पास पहुंचे, अब उस business से real capital integral of the capital formation. इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस से इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, ये ना करें कि कंपनी के मुझे 500 मिलियन चाहिए वो 500 मिलियन लेके बस बैठ जाए, नहीं भाई नहीं, आप रुपए लिए हैं तो उन रुपयों से कोई फैक्ट्री बनाएं, कोई आप मशीन बनाएं, कोई बिल्डिंग बनाएं, कोई रोड बनाएं, कोई स्कूल बनाएं, कोई आप हॉस्पिटल बनाएं, कुछ उसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, सिर्फ उसको कैपिटल मोबिलाइज करके या वो कैपिटल सेविंग्स को इकट्ठा करके ना रख दिया जाए, उस सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल इज इंटीग्रल पार्ट, इन्वेस्टमेंट की है कैन ओनली हैपन देयर आर इनफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स और इफ दीस वेंचर हैव मेड अ प्रॉफिट लुक्रेटिव इनफ फॉर पीपल टू इन्वेस्ट देन इट विल लीड टू हाई कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तीन हमारे फेजेस हैं कैपिटल फॉर्मेशन के। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी हम छोड़ रहे हैं, इसको हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ द मैक्रो के ऊपर। और स्केर्सिटी और चॉइस ये हम पहले देख चुके हैं, स्केर्सिटी क्या होती है, रैशनल बिहेवियर क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हम देख चुके हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देख चुके हैं। और ये एक सवाल बिल्कुल एज इट इज आया था, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। रिजल्ट क्वालिटी आमतौर पर होती नहीं है, वो लोगों को रोने धोने के लिए जो थोड़ा टाइम दिया जाता है,
बनना या खुशी मनाने के लिए, सॉरी खुशी मनाने के लिए पड़ता है, बारह दिन प्रदान हो गए, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, उसके हवाले से बात की थी। ये सीधा उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एप्लीकेशन इकोनॉमी के एजेंट्स की, तो यही जवाब था, ये तीन चार लाइन का पांच लाइन का जवाब। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एप्लीकेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, हमने एग्जाम्पल बार बार देखी थी कि आप कोई एक डिसीजन लेते हैं जिसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन या दूसरी चॉइस को आप फॉरगो कर देते हैं, तो वो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हाउसहोल्ड क्या करेगा कि वो कंज्यूम को सी गुड करे, हाउसहोल्ड ने क्या करना है, क्योंकि इसे हमें पता है कि ये कंजम्पशन की बातें करता है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नजरिया क्या होगा, इसका नजरिया होगा कि यार मैं अपने पास, मेरी पास जो इनकम है इससे मैं अपने मेडिकल के खर्चे पूरे करूं, इससे मैं अपने खाने के खर्चे पूरे करूं, इससे मैं अपनी एजुकेशन के खर्चे पूरे करूं, इससे मैं एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करूं, या इससे कोई मैं गरीब की मदद कर दूं, मैं अपनी जो कंजम्पशन है, अपनी जो इनकम है, उनको किन जगहों पर किन चीजों के लिए कंज्यूम करूं। तो जब वो एक चीज को अडॉप्ट कर लेगा, एक चीज को सिलेक्ट कर लेगा, चूज कर लेगा, तो इसका मतलब है कि बाकी चीजों को उसने निग्लेक्ट कर दिया, बाकी चीजों को फोर रूल कर दिया। अगर उसने खाने के ऊपर अपने खर्चे पैसे खर्च कर दिए, तो वो पैसे आप अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी इंटरटेनमेंट के ऊपर नहीं खर्च कर सके। तो ये फोर मंथ सेटिस्फेक्शन, फोर मंथ सेटिस्फेक्शन, फोर मंथ बाय कंज्यूमिंग गुड ए रादर देन स्पेंडिंग द मनी ऑन गुड बी, वो कंजम्पशन के हवाले से उसकी डिस्कशन होगी। हाउसहोल्ड फर्म डेफिनेटली ये प्रोड्यूसर है, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिस्कशन होगी वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के हवाले से होगी, कि मैं प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए गुड करूं, प्रोड्यूस करूं और वो मार्केट में सप्लाई करूं, कि प्रोडक्ट बी गुड्स की प्रोडक्शन करूं और उसको मार्केट में सप्लाई करूं। द रेवेन्यू फॉर वन, यहां पर रेवेन्यू फॉर वन बाय यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्स टू सप्लाई गुड ए rather than using them to supply good B, simple है, ऐसे ही है ना। अगर वो आपने चेयर भी बना सकते हैं और आप टेबल भी बना सकते हैं, आपने अपने रिसोर्सेज टेबल बनाने के ऊपर इस्तेमाल कर लिए, तो इसका मतलब है कि आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते जो आप चेयर बना के कमा सकते थे, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड फाइनाइट रिसोर्सेज है, और यू कंज्यूम दो रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, सो यू हैव व्हाट यू हैव डन, यू हैव फॉर्म ऑन द रेवेन्यू ऑफ द चेयर्स, वो आपने उसको छोड़ दिया, आपने ये डिसीजन लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट की सोशल नीड फॉर वन, गवर्नमेंट ने क्या करना है, सोशल नीड फॉर वन वो क्या है, गवर्नमेंट को हमने कहा था या वो पैसे इस्तेमाल कर सकती है सर स्कूल बनाने के ऊपर, या हॉस्पिटल बनाने के लिए, या वो रोड्स बनाने के लिए, या मेट्रो के ऊपर खर्च कर सकती है, या ओरिज ट्रेन के ऊपर खर्च कर सकती है। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन ले लिया तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉट स्पेंडिंग ऑन द अदर थिंग, ऐसे ही है, तो उससे क्या हुआ, सोशल नीड फॉर वन होगी, शायद एजुकेशन की नीड जिसके ऊपर खर्च किया जा सकता था, आपने ओरिज ट्रेन बना के एजुकेशन की नीड फॉर वन की आपने डिसीजन लिया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखी फॉर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर, कंज्यूमर के लिए, हाउसहोल्ड के लिए सेटिस्फेक्शन फॉर वन, फर्म के लिए रेवेन्यू फॉर वन, गवर्नमेंट के लिए सोशल नीड फॉर वन, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिटर्मिनेंट होगा। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम वही है, रिसोर्सेज थे, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर से गुजर के कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हम हासिल करना चाहते हैं, और वही क्वेश्चन जो तीन थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce,
who will for whom to produce. ये बेसिक क्वेश्चन है. अच्छा अब दुनिया के अंदर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है. डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. अब वो डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं? एक हमारे पास सोशलिस्ट मॉडल है जिसको हम तो सोशलिस्ट मॉडल है. सोशलिस्ट मॉडल क्या कहता है कि जनाब रिसोर्सेज स्टेट की ओनरशिप होती है और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स. वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है और जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, ये जो तीन क्वेश्चंस हैं कि नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन क्वेश्चंस स्टेट डिसाइड करती है. ये सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम यहां पे सेंट्रल इकोनॉमी कह रहे हैं, प्लैंड इकोनॉमीज कह रहे हैं. तो तीन क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इस चीज का डिसीजन डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर डिफरेंट तरह से लिया जाता है. बस ये समझ पहले हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं, वो हमें रशिया के अंदर और पहले जो यूएसएसआर होता था उसके अंदर अपने एक्सट्रीम पे नजर आता था कि सारे के सारे रिसोर्सेज, कौन सी जमीन है उस जमीन के ऊपर कौन सी फसल उगाई जाएगी, कौन से लोग किस जगह पे काम करेंगे और जो वो उसकी आउटपुट होगी वो आउटपुट कहाँ कहाँ पे बेची जाएगी या कहाँ कहाँ पे सप्लाई की जाएगी. These are all decisions are taken by the state, central decision making होती है. ठीक है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारा इनका ये बेसिक आइडिया था. स्टेट इज द अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल सिटीजन एंड ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर द ओनरशिप ऑफ द स्टेट. You as a citizen must obey the state and state will tell that how its economic resources will be utilized and for whom those benefit will flow to. ये एक central economy, planned economy, socialist economy, communism economy, ये उसका concept है. ये एक एक्सट्रीम है जिसमें आपकी कोई मर्जी, कोई ख्वाहिश, कोई चीज, अगर आपको कपड़े चाहिए तो जो वो स्टेट ने कहा है कि ये वाले कपड़े आपने इस्तेमाल करने तो आप वही कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं यार इस ब्रांड की पहन लू उस ब्रांड की. आपको गाड़ी चाहिए, जो स्टेट ने गाड़ी प्रोवाइड की हुई है आपने सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है, उसी को ही आप परचेज कर सकते हैं. आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, आपके पास चॉइस नहीं है कि यार मैं अपने तौर पर. तो ये कंट्रोल मुकम्मल प्लान, सारी प्लानिंग सेंट्रल लेवल के ऊपर एक शख्स, एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट, एक स्टेट, वो सारे के सारे डिसीजंस देता है. एक तो ये हमारा है. अच्छा आगे इसके आगे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये हम देख चुके हैं पहले, पीपीएफ ये सारा देख चुके हैं. ये थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अब तक जो हुआ जिसको हम कमांड इकोनॉमी, जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि कमांड इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक सिस्टम सेट बाय सेंट्रल प्लानिंग बॉडी एक शब्द है. दूसरी जानिब उसका एक्सट्रीम आ गई. एक ये एक्सट्रीम है कि सारे के सारे डिसीजन स्टेट से लेती है और दूसरी जानिब एक एक्सट्रीम लेजिस्लेटिव इकोनॉमी फ्री
मार्केट इकोनॉमी जिसको कोई कदम नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से डिसाइड करे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट अपने हिसाब से डिसाइड करे। इकोनॉमी के अंदर स्टेट इंटरवीन नहीं करती, दैट इज फेयर, फ्री मार्केट इकोनॉमी छोड़ दिया, सब कुछ आप खुद ही करें जो भी करना है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक अदर एक्सट्रीम है जिसके अंदर वो होती है, और दोनों प्रैक्टिकली आजकल हमें नजर नहीं आती कई जगहों के अंदर। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी तो क्या होगा, होगा ये कि लोग कहेंगे भी मुझे तो शराब जो है वो चाहिए, तो वो शराब की बोतल बनाने का लग जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा, हर शख्स जो है ना वो जिसकी जो ख्वाहिश होगी वो उसके लिए वो रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल कर देगा, वो बनाएगा, तो वो कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी फॉरगो हो जाएगी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को मद्देनजर रखने के लिए, और दूसरी जानब थोड़ी सी इख्तियार, थोड़ा सा लोगों को फ्रीडम देने के लिए क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी आ गई। अब वो कॉम्बिनेशन है मार्केट फोर्सेस का और सेंट्रल प्लानिंग का, कि कुछ चीजों को कहते हैं कि ये मार्केट की बनती है या जो कर रहे हैं, जैसे आप शेयर्स की कीमत गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, शेयर्स मार्केट डिसाइड करे, शेयर 1 लाख की बिकनी है, 10 लाख की बिकनी है, कौन सी शेयर चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करे, वो सब डिसाइड कर सकते। और दूसरी जाने कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आपकी गंदम, उसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है नहीं मैंने रुक जाओ, ये जरूरी चीज है, इसके लिए हमें आने आने, इसके लिए हमें कुछ कंट्रोल चाहिए, इसमें हम आपको फ्री नहीं छोड़ेंगे जी। थोड़ा सा आपका फीडबैक, और मैडम आ गई है वो आपसे फीडबैक रखेंगे। ओके अल्लाह के साथ चले निकले। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, फजा, हमदान, नुमान, सदफ, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बेटा मेरा नाम अरूज है, फिजा तो काफी अच्छे से मुझे जानती हैं, आई थिंक नुमान भी, बाकी बच्चे भी शायद मुझे ऑलरेडी मेरे से फेमिलियर है। मेरा नाम अरूज है और मैं पैक में रेगुलर और ऑनलाइन दोनों के एकेडमिक्स को हेड करती हूँ। आई एम मैनेजर ऑनलाइन एंड रेगुलर एकेडमिक्स, और आज मेरा आने का पर्पस जो है मैं आप लोगों से फीडबैक सीख करना चाह रही हूँ, आपसे कि आपकी अभी तक कोई वन मंथ हो गया है, तो उसमें मैं जानना चाह रही थी कि आपकी क्लासेस सो फार कैसी चल रही हैं, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, टेस्ट हो रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास, आई लाइक टू नो एवरीथिंग फ्रॉम यू पीपल। जी फिजा, अलीशा, हमदान, चलें, मुझे एक्चुअली ये सुन के बहुत खुशी हुई दैट यू थिंक सिलेबस कवरेज इज गोइंग फाइन।
अच्छा मुझे ये बताओ अभी तक इकोनॉमिक्स के कितने टेस्ट हुए हैं और वो कौन सा बच्चा है जिसने सारे टेस्ट दिए सो फार? फिर आपने सारे टेस्ट दिए क्योंकि मैंने कल ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी थी जिसमें मुझे नजर आ रहा था कि सारे टेस्ट किसी ने भी नहीं दिए हुए। जो मिस हुआ है ना आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर दो, मैं उसको भी चेक करवा दूंगी। आप लोगों ने टेस्ट नहीं छोड़ने, आप लोगों को भी पता है ना। अच्छा फिर मैं चेक कर लेती हूँ बेटा, जो चेक नहीं हुआ ना उसको मैं इमीडिएटली चेक कर लेती हूँ। अभी तक दो टेस्ट हुए, फिजा कितने हुए? How many tests have been conducted so far? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ आप सबका स्टेटस डिटेल में जाके चेक कर लेती हूँ। सो एवरीथिंग इज फाइन, चले दैट इज वेरी गुड। बच्चों ये मैंने ना एक लिंक पेस्ट किया है, इसमें फीडबैक है। दिस इज एन ऑफिशियल टाइम कि मैं आप लोगों का फीडबैक सीख करूं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल इस लिंक को क्लिक करो। एक सादा सा पेज खुलेगा, बस उस पर टिक चेक करना आप लोगों ने एज पर योर कॉमेंट्स। और उसमें अगर आपके कोई कॉमेंट्स हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू TAs, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटर्स, रिलेटेड टू ID प्रॉब्लम, रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्लीज राइट इट डाउन फॉर मी सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर इशू। तो मैं अब आप लोगों की परफॉर्मेंस को और क्लोजली देखूंगी। आई विल कम आफ्टर वन मंथ अगेन। अलीशा आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करोगे कि फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा ताकि मैं उस चीज को रिजॉल्व कर सकूं, बेहतर कर सकूं प्लीज। एंड 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 ऑल ऑफ यू हैव माई नंबर ऑलरेडी, मैं दोबारा लिख भी देती हूँ तो यू पीपल कैन always SMS me and let me know your issue. If nobody else is replying you people, you can always contact me. ठीक है अलीशा, आप मुझे ना थोड़ा डिटेल में कोई इशू बताना सो दैट आई कैन गेट इन टू द डिटेल एंड आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व एंड रिजॉल्व योर इशू। आप मुझे मैं हर वक्त फोन तो नहीं उठा सकूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मीटिंग्स में सम टाइम होती हूँ, फोन उठा भी लेती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे एक SMS ड्रॉप कर देंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू व्हेनेवर आई एम फ्री। तो आप मुझे प्लीज, मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है, आप लोग प्लीज मुझे बताया करें। अगर आप लोगों की कोई और कोई बात नहीं सुन रहा होता तो आप लोग प्लीज मुझे बताया करें। और आप फीडबैक में भी अलीशा जरूर इस चीज को हाईलाइट करिए कि क्या इशू था सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर इशू प्लीज। आप लोग फीडबैक दे रहे हो, अलीशा, फिजा, हमदान, नुमान, सदफ, आप लोग फीडबैक दे रहे हो प्लीज। जब आप लोगों का फीडबैक हो जाए तो आप लोगों ने मुझे ओके करना है ताकि हम, क्योंकि हमारी बातचीत तो हो गई है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग फाइन, तो हम आपकी इस क्लास को खत्म करके आपकी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स इंट्रो भी पढ़ रहे होंगे तो हम इंट्रो को स्टार्ट करें। In the meanwhile, you are doing the feedback, so I would like to know that if there is anything you people like to share with me, anything for improvement of online, for improvement of this subject, particular subject, or anything else you people would like to share. अलीशा, फिजा, हमदान, नुमान, सदफ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स दैट यू आर डन विद द फीडबैक।
अमलान थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी लोग भी मुझे कंफर्म करें। जी फिजा, मान, सदफ, अलीशा, थैंक यू फिजा, थैंक यू। वेटिंग फॉर नुमान, सदफ एंड अलीशा। अलीशा, नुमान, सदफ, अलीशा, आर यू गिविंग द फीडबैक? नुमान, सदफ, ओके 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 ओके, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। नुमान, अलीशा, ओके फिजा, ओके फिजा, आई सेंड इट टू यू। मैं अभी इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ अपने स्टाफ को, आपको भेज देते हैं। जी जी बेटा, टीएस टीचर असिस्टेंट, टीएस टीचर सदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, टीएस टीचर असिस्टेंट। Only Alicia and Numan left. Zishar, वो फिजा ने बता दिया आपको। थैंक यू अलीशा, थैंक यू। नाउ ओनली नुमान इज लेफ्ट।
Thank you, Alisha, Faza, Hamdan, Numan, Emma, Sadaf. It is lovely to talk to you people, and I am very satisfied that everything is going fine in economics. Inshallah, I'll see you again in some days. And if any of you is waiting for the result, I pray for your result. I hope everyone of you who has given the papers will inshallah get passed on 13th of November. Lots of prayers for you guys. Or take care. Allah Hafiz. Ab hum apni intro ki class start karne lage. Miss the class start. Please start the class. Ji, please class start kar le.